राधे राधे, साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी ही स्वादिष्ट होती हैं धनिया की चटनी के साथ खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी दाल ली थी, इसको 2 घंटे गला दिया था। अब इसको मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है और इसको हम पीस लेंगे। और पानी इसमें बिल्कुल भी हम नहीं डालेंगे। तो देखिए मेरी दाल पिस चुकी है। अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे इसको। और हमको दाल ऐसी पीसनी है, ना ही तो एकदम ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, हमको दरदरी रखनी है। तो इसमें हम कुछ मसाले डालना शुरू करते हैं। मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाली है, नमक डाला है 1 चम्मच, किचन किंग डाल देंगे, इससे स्वाद डबल हो जाता है, हींग डाल देंगे और इसमें हरी मिर्चियाँ डाल देंगे कटी हुई, धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से, जो भी हमने मसाला इसमें डाला है, इसको हम मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। हम थोड़ा सा बेसन हम और डाल देंगे, इससे क्या है कि बेसन का बहुत ही टेस्ट बन के डबल हो जाता है। मैंने 2 चम्मच इसमें बेसन डाला है। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमको ये अच्छे से फेंटनी है। इसको हम ज़्यादा, जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही अच्छी हमारी पकौड़ियाँ बनकर आएंगी, उतनी ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर आएंगी। तो हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो मेरा ये अच्छे से फट के तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकौड़ियाँ डालना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इनसे बड़ी बड़ी भी आप पकौड़ी बना सकते हैं, मैं इतनी ही बना रही हूँ। और हमको इसमें ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं डालनी हैं एक साथ, क्योंकि हमने एक साथ पकौड़ियाँ इसमें डाली तो हमारी पकौड़ियाँ चिपक सकती हैं एक दूसरे से। तो हमको इसमें कमी डालनी है। गैस को मैंने मीडियम रखा है। तो देखिए मैं अब क्या करूँगी, इसको पलट दूँगी हल्के हाथ से। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। आप में से ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसा ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार होने ही वाली हैं। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे खा सकते हैं। चटनी का तो क्या ही कहना है, ये तो झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप धनिया लीजिए, मिर्ची लीजिए और 2 चम्मच दही लीजिए और आप अपने मनपसंद मसाले डाल दीजिए, बस मिक्सर में चला दीजिए, बन गई चटनी। तो मेरी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इनको पौनी को टेढ़ा करके हमको निकालनी है पकौड़ियाँ। इससे क्या है कि जो भी इनमें ऑयल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। क्या बात है, मेरी मूंग दाल की पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं। आपको हमारी पकौड़ियाँ कैसी लगें हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।